जरा अपने आप को ना, मैं ही कहता हूँ नौजवानों को या बच्चों को, जरा अपने आप को ना कोई कोई डब्बे में जरा बंद कर लो, जरा एक डब्बे में जरा 3 मिनट 2 मिनट बंद करो और जरा फील करो सर, कि तुमने लाइफ लॉन्ग रियल रियल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। नासिरुद्दीन अल्बानी का नाम आपने सुना, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कब्र में लिटाया। अच्छा, उनको देख के एक और स्कॉलर ने ये किया, तो वो बंदे को एंग्जाइटी से हार्ट अटैक हो गया कब्र में 10 मिनट गुजार के, मतलब कब्र खोदी वैसे लिटाया एक्सपेरिमेंटली कि यार आज हम देखते हैं कि कैसा फील होता है। लिटरली एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया। बहरहाल उलमा इसको रिकमेंड नहीं करते। मैं एक बार कब्रिस्तान के अंदर गया एक तदफीन के लिए, मैं पहले जाके कब्र के अंदर देखता रहा, मैंने कहा हिम्मत करके नीचे उतर के बैठूं के देखूं, अल्लाह की कसम हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत ही नहीं पड़ी। सही बात, मैं कहता ये ना लेटो ना अपने ऊपर, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए रिकमेंड, मैं भी नहीं करता, लेकिन बैठो तो सही जरा एक मिनट, जरा वैसे किसी की तस्वीर से पहले 1 मिनट जाकर जरा बैठो, जरा फील करो। वो 6x3 की कब्र है, मरते साथ तुम्हारा हिसाब शुरू है, जो तुमने करतूते किए दुनिया के अंदर सारा एक एक चीज का हिसाब देना है। जिन लड़कियों को तुम दिल तोड़ते हो और बड़ा फख्र महसूस करते हो, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हम कोई मदरसों के से टिपिकल मौलवी नहीं है, हम आई हैव बीन टू डाउन इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मेरे साथ ओवरसीज स्टूडेंट्स भी पढ़ते होते थे और हमने हर वो चीजें देखी है, ठीक है, हमने सारे मॉल देखे हैं, हम दुनिया के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से, ठीक है ना, एक तुम्हारे कंपटीशन पे खड़े हुए हैं और आखिर अल्लाह के फजल करे दीन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। हम रब के सुरों में चलने वाले लोग हैं और हमें दुनिया का पता है पूरा, वी हैव नॉलेज। ये जो लड़कियों को तुम दिल तोड़ते, तुम्हारी माँ बहनें नहीं होनी, सही बात, ये तुम्हारी कभी बेटियां नहीं होनी, सही बात, सही, ये तुम्हारी घर पे बहनें नहीं मौजूद, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, जो तुम बड़ा दिल तोड़ के बड़ा अपने आप को फख्र महसूस करते हो ना, ओह चार चार है मेरे पास, चार फोर सही, व्हेन योर सिस्टर और व्हेन योर डॉटर विल बी वन ऑफ देम, उस दिन तुम्हारी उम्र के तुम उस हिस्से में पहुंचोगे तुम बेबस होगे, तुम्हें पता नहीं शायद याद भी ना तुम्हें शायद याद भी ना रहे कि अल्लाह तुम्हें किस गुनाह की सजा दे रहा है। सर मैंने तो दिल जिन्होंने तोड़े हैं ना उनको जलील ही होते देखा, ये जो माचो मैन जो स्ट्रीट स्मार्ट अपने आप कहते हैं, कभी ये कोर्ट के चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी ये पुलिस स्टेशन के, कभी ये अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते हैं, मैंने तो ये स्ट्रीट सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट बंदे को जलील ही होते देखा। मैं कहता हूँ उम्र के उस हिस्से में हो गए जब तुम्हें समझ भी नहीं आ रही होगी किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अपने वालदैन से हुस्न सलूक करो, सही बात, ये जो इखलाकियात है ना, जो हमारे किरदार अपने अपने ज़मीर को झंझोड़ो, अपने किरदार पे फोकस करो।